बैठ गया मम्मी के पास। गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। जेठानी की तरह है। आज शादी हुआ था मम्मी? 16 या 17 का एज में शादी हुआ था। लाइफ का सबसे स्पेशल दिन कौन सा था? घर जब गए बहुत गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है एंड आप लोग अभी बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। मैं हूँ बालकनी में और बालकनी से वीडियो शूट कर रही हूँ। कितना अच्छा अभी मौसम हुआ है, सुबह का 6 बज रहा है। पूजा पाठ कर लिया है और अभी मैं जस्ट चाय पीऊँ क्योंकि ब्रश करके ज़्यादा देर तक रहने से प्रॉब्लम होने लगती है ना गले में। मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है। अभी जाती हूँ पापा जी को, मम्मी जी को एप्पल बहुत सारा है, एप्पल काट के पहले दे देते हैं पापा मम्मी को, मैं भी थोड़ा सा खा लूँ क्योंकि एप्पल फ्रूट है और सुबह हमें खाना भी चाहिए तो चलिए काटते हैं। कि मिस्टर आज तो पहुँचे बराडा में, मैं किचन में आंटी जी बना रही हूँ बंदा गोभी आलू का सब्जी, कितना ज़्यादा टेस्टी। तो हम ब्लॉग में नहीं लेते हैं क्योंकि आंटी जी बोलती है मुझे ब्लॉग में भी नहीं आता, इसलिए मैं खुद आंटी जी को नहीं लेती हूँ। आप लोग ऐसे मत बोलो। और यहाँ से कितना अच्छा ब्लॉग आ रहा है ना, मैं यहाँ से मैंने नई वीडियो शूट कर दी थी, आप लोग देख रहे हो। फिर कैमरा रखने के बाद मैं ब्लॉग या फिर वीडियो शूट कर लेती थी। तो चलिए पहले फटाफट काट देते हैं एप्पल और उसके बाद से थोड़ा सा ब्लॉगिंग करेंगे। रूम आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने पूरा रूम को मतलब ये बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया है। एप्पल है तो मैं एप्पल को काट देती हूँ पहले। तो आप लोग देख रहे हैं ये एप्पल को मैंने कितना अच्छे से सजा दिया है प्लेट में ना। अब मैं ले जाती हूँ इसको पापा जी को देने, मम्मी भी खाएंगे पापा जी भी खाएंगे और मैं भी अभी काट के खाऊंगी। तो अभी क्या हुआ, बच्चे लोग का लेट हो रहा था, आंटी जी फटाफट बिल रही थी और हम ला रहे थे, तो सब कुछ खा के अब जा रहे हैं स्कूल क्योंकि और रोटी और बंदा गोभी का सब्जी बना हुआ है। गाइस तो अब चलते हैं मम्मी के पास, थोड़ा सा मम्मी से बात बात करते हैं क्योंकि मम्मी का अभी तबीयत ठीक नहीं है और शायद मम्मी को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। तो आप लोग प्रे करना कि जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, ठीक है। अभी चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है मैं मम्मी के साथ वीडियो बनाती हूँ या मम्मी के साथ बातचीत करती हूँ, पहले थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता था लेकिन अब बात करते 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 कल हम लोग बहुत देर तक रूम में, मम्मी आई थी तो बहुत देर तक बात बात कर रहे थे, ऐसी कुछ कुछ बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था। हम आ गए मम्मी के पास और पीछे कितना अच्छा लग रहा था, प्राइज मम्मी को भी मिला। वैसे पहले मम्मी का प्राइज दिखाते हैं और लोग देख रहे हैं ये मम्मी का और यहाँ पापा जी का, बाबू का भी है, मिस्टर राज को भी मिला हुआ था जब जयपुर में मीटिंग था। तो मम्मी है यहीं पे लेकिन मम्मी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। बैठ गया मम्मी के पास और गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से सभी को, शुभकामना है, सप्तमी का पूजा है और गांव पे पूजा होता है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे और इनके पापा को भेजेंगे घर पे, वो जाएंगे तो वहाँ कुल देवता का पूजा प्रसाद होगा, तो सचिन रहते चाहे ये रहते तो कोई जाता घर से, तो इनके पापा जाएंगे। और आप लोग भी सप्तमी का खूब सारा ढेर शुभकामना है। और आज हम लोग के यहाँ गाँव में पंढकौआ होता है तो आज ही है, शाम को मेहंदी चढ़ता है, पहले हम लोग सावन में मेहंदी नहीं लगाते थे और आजकल के कल्चर हो गया कि सब लोग लगाते हैं तो हम लोग भी लगा लिए थे। हाँ। तो आज ही सप्तमी को मेहंदी लगता है हाथ में और माता जी को चढ़ा के लगता है, तो अभी थोड़ा सा तबीयत, आज मेहंदी लगाया जाएगा। हाँ तो अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है हमारा, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं घर पे, यहीं से हम उनको भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और आप लोग भी पूजा पाठ कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आंटी बिल्कुल आपकी दीदी की तरह है या फिर जेठानी की तरह है, तो आप मम्मी से हमें पूछते हैं क्योंकि मम्मी का अभी इतने बड़े बड़े हमारी शादी हो गई, पूजा दी की भी शादी हो गई लेकिन फिर भी मम्मी इतना यंग दिखती हैं, तो कैसे मेंटेन करती हैं वो हम भी थोड़ा जान लें। हम लोग के यहाँ पहले कम एज में ही शादी होता था तो हाँ। हम लोग का जल्दी से शादी भी हो गया था। आपका कितना एज में शादी हुआ था मम्मी? 16 या 17 का एज में शादी हुआ था
और इसलिए इन लोग भी जल्दी से हुए और पढ़ाई लिखाई इन लोग का ख़त्म हो गया। 2.5 साल के इस पढ़ाते थे इन लोग का, अपना स्कूल था। तो जल्दी से हम शादी भी कर दिए, सोचे कि पता नहीं जीवन को क्या होगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए अपना जिम्मेवारी ख़त्म करो। और जिसके इसका शादी कर दिए, जैसे पूजा का कर दिए तो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, इनका कर दिए तो सचिन इनके साथ खुश है, हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ खुश हैं। अब छोटे वाले हैं, उनका भी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही जल्दी से हम कर दिए, ज़्यादा वेट नहीं किए इन लोगों को कि ज़्यादा सही टाइम पे शादी, सही टाइम पर कर दिए शादी इसीलिए। और अपना रह गया कि हम लोग का स्कूल हॉस्टल चलता है तो थोड़ा सा मेंटेन करके रहना पड़ता है इसीलिए, और केयर करने से अपना शरीर सही रहता है, नहीं करिएगा लो तो नहीं होता है। तो अभी पता है मम्मी का कम एज में शादी हुआ था और ज़्यादा एज भी नहीं था तब तक ये हो गया है मिस्टर राज। तो वो मेरे को एक बार एक स्टोरी बताए थे कि जब उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था ना, तो मम्मी गांव से सिवान लेके आई थी पैदल, और उसी समय से हम सिवान रहते हैं, हम गांव पे नहीं रह पाए चूँकि पहले साधन नहीं थी, रिक्शा उक्शा का कुछ भी नहीं मिलते थे वहाँ। और गाड़ी और पापा जी आपको कितना कितना दिन तक छोड़ के वो आते थे, संडे को उनका छुट्टी रहता था ट्यूशन का, तो सैटरडे को दिन जाते थे घर पे और संडे को शाम को आ जाते थे, एक हफ्ता पे घर जाते थे और एक दिन के लिए ही जाते थे, वो साइकिल चला के गांव जाते थे। तो जब शादी हुआ था तभी से पापा जी पढ़ाते हैं कि शादी के पहले से ही पढ़ाते हैं, वही देख के मेरा शादी भी हुआ था कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल वस्कूल नहीं था उनका, तो जब हम आए तो साथ मिल के हम लोग स्कूल खोले दोनों जन, और एक साथ हम लोग कदम मिला के चले। भगवान करे कि ऐसे ही सब लोग अपना अपना हस्बैंड के साथ चले और दुख सुख समझे, और आप लोग भी अपना घर गृहस्थी संभालिए, अच्छा लगता है। तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुलवा दी, क्योंकि अभी मम्मी का बहुत सारा पहले कितना सारा मेहनत करके सब कुछ किए हैं, तो वो चीज़ हमको भी नहीं पता है। चाहे मम्मी का भी शादी वादी के बारे में ना बहुत सारे लोग पूछते हैं अपनी मम्मी से, चाहे कैसे शादी हुआ, पहले कैसे क्या होता था। तो पहले शादी हम लोग देखते नहीं थे, लड़का लड़की कुछ अच्छा, नहीं। अच्छा पापा जी का फोटो देखी थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं देखे थे हम लोग, एकदम सीधे मंडप में ही मिलते थे, जयमाला भी नहीं होता था हम लोग को कि हम लोग लड़का लड़की देखेंगे, हम लोग को शादी हो जाएगा और ससुराल जब आएंगे, शादी भी होगा तो इतना पे घूंघट रख के होता था शादी, जब घर पे आएंगे अपने ससुराल तभी हस्बैंड से मिलेंगे, नहीं तो पहले का ऐसा कुछ रिवाज नहीं था। अब तो देख के कर रहा है लोग तो अच्छा है, लेकिन हम लोग का भी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छा कटा, भगवान करे इसी तरह सबका कटे। तो अब मम्मी का ये कुछ स्टोरी था जो कि बहुत अच्छा लगता है, और भी बहुत सारा कहानी, लेकिन वो तो अभी पता नहीं। मम्मी आपको कुछ पता है जो आपका सबसे लाइफ का सबसे स्पेशल दिन कौन सा था? सबसे अच्छा पापा जी के साथ सबसे अच्छा था कि हम लोग जब हम फॉर्म भरवाने के लिए 9th में पढ़ रहे थे तो शादी हुआ मेरा, और सिवान से हमको रजिस्ट्रेशन कराना था DAV से, और इस्लामिया में मेरा सेंटर गया था, तो हम अपने पापा से ये पूछ के हमको लाए थे सिवान में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, छोटा सा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता था। तो उसमें हम लोग सिनेमा हॉल चले गए थे, फ़ोटो खिंचवा लिए, और निश्चय पिक्चर लगा हुआ था शेखर सिनेमा में सिवान का, तो हम लोग चले गए। और जब घर जाने के लिए गाड़ी गए तलाशने तो गाड़ी था ही नहीं स्टैंड में, तो उस समय हम कपड़ा लेके भी नहीं आए थे, भीग गए थे, तो हम लोग फिर सिवान डेरा पर रह गए, आंदर ढाला पे हम रहते थे, तो वहाँ रुक गए, किराए का मकान था मेरा, तो घर जब गए लोग तो बहुत डांट सुने थे लोग एक दिन के बाद। तो मूवी देखी थी? हाँ, पापा और हम मूवी एक साथ देखे थे, वो अच्छा लगा, और हमको बहुत शौक है पहले से ही, हम मूवी सीरियल टीवी सब देखते हैं, हमको बहुत अच्छा। कौन सा मूवी था उस टाइम? निश्चय फिल्म था वो, तो वही हम देखे थे, निश्चय उसका नाम है। तो चलिए ठीक है, और सब समय से सब अच्छा लगता है, सब एक साथ घूमते हैं लोग। हाँ, तो मम्मी मूवी वगैरह सब कुछ देखती है, पापा जी को अब थोड़ा सा मूवी उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले भी पापा जी बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं पढ़ाने में, या फिर बहुत सारा काम होता है पापा जी को। पहले भी वो नहीं देखते थे मूवी, हम ही देखते थे, उनको नहीं अच्छा लगता है। टीवी खरीद दिए थे घर पे, बोले कि आप टीवी देखो, लेकिन सिनेमा हॉल में सब छोटा छोटा था सब बच्चा,
तो नहीं जा पाते थे। अब ये पैंपस आया है या ये आया कि बच्चे को पहना के 2-4 घंटा रख सकते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, कपड़ा से हम लोग काम चलाते थे, कॉटन से। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अब लग रहा है ऐसा कि अब इससे भी आगे जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे और भी सुविधा आते जाएगी। एक बच्चा पालने के लिए 2 दाई का जरूरत पड़ता है, 1 दादी का और 1 माँ का। अब पहले का जमाना था कि अकेले 4-4 बच्चा पाल लेते थे लोग, कोई थोड़ा भी परेशानी नहीं होती, कोई पकड़ता भी नहीं था, कोई नहीं पकड़ता था, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। अब तो 2-3 जन का जरूरत पड़ता है। पहले इतना सारा काम भी सब हो जाता था अकेले, तो करना भी तो चाहिए, तुमको भी सीखना चाहिए कैसे करना है। पहले 4-4 बजे उठ उठ के और दिया जला जला के मम्मी झाड़ू तो, लगाती थी। अभी भी हम 4 बजे जगते हैं, लेकिन अपने बेड पर रहते हैं, कोई काम नहीं है, दाई हुई आती है लोग करती है लोग तो सोए रहते हैं, चाहे अपना टहल वहल के आराम से बेड पर रहते हैं। यही है, और भी स्टोरी है तो आप लोग को अगला वीडियो में मिलेगा। और भी आप लोगों को कुछ भी स्टोरी जानना है आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बोर हो जाइएगा इसलिए एक ही बार बोले, थोड़ा बात बात करते तो 8 मिनट हो गया है, अब क्या करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा लंबा होगा। अगर आप सबको कोई भी चीज़ जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और वो कमेंट तो हम भी पढ़ते हैं, मम्मी भी पढ़ती हैं, रिप्लाई भी करते हैं कुछ लोगों के कमेंट भी। तब रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा, और मम्मी उनके लिए कुछ बोल दीजिए, वो भी ब्लॉग वो देखते होंगे। हाँ सचिन क्या है, खूब अच्छा सर है, और खाना पीना टाइम से खा लीजिएगा, इस तरह यहाँ पर खाता था खाना। हाँ। जल्दी से भूख लग जाता यहाँ हम आए हैं तो मेरे को टाइम पे एकदम भूख लग जाता है। असल बात था कि देखिएगा अब 8 बज रहा है, इस समय मेरे यहाँ नाश्ता बना बना कर चली गई है। हाँ। ये लोग 8 बजे उठता है तो खाएगा कब, इसलिए उठने के बाद भी इधर उधर करते हैं लोग। हम लोग को आदत है सुबह में जल्दी से नाश्ता करके अपने काम में जाना, लोग थोड़ा सा अपने लापरवाही रखते हैं। और यहाँ एक दूसरे को देख के ना थोड़ा सा भूख भी लग जाता है, वहाँ अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। हॉस्टल के बच्चे आते हैं तो 1 रोटी खाते हैं, 2 खाते हैं, जब रहने लगते हैं तो 4-5 रोटियां खा जाते हैं। हाँ। तो देखा देखी खाया जाता है परिवार में, और कभी हो सकता है कुछ कमी बेसी भी हो तो उसको मैनेज करके चला जाता है। हाँ। दुख सुख साथी है और कम बेस होते रहता है परिवार में, तो कभी प्यार भी होता है, कभी झगड़ा भी होता है, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, सब मिलजुल के रहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, आप लोग बोर मत होना क्योंकि हम मम्मी से कुछ कुछ पूछ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, इसलिए मम्मी से आगे कुछ कुछ बातें कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। अब जा रहे हैं स्नान करने, और जल्दी से प्रे करिएगा कि मम्मी ठीक हो जाए, ठीक है, आप सभी लोग प्रे करेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।